तो गाइज़ अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो गाइज़ आपको पता होगा कि पिछले बार हमने कुछ कार्स को बेनी के पास रिपेयरिंग के लिए डाला था और जो रिपेयरिंग का काम है अभी तक बेनी ने फिनिश करके हमें नहीं दिया है। तो गाइज़ इसके वजह से हमारे आज छुट्टी का दिन है, मतलब हमारे पास अभी कोई मिशन नहीं है। तो गाइज़ फिलहाल जो हमारे रेंज रोवर है ना, अभी इसकी जो स्पीड है आपने पिछली वीडियो में देखी होगी कि जो अपग्रेड करने के बाद भी 150 के आसपास हमें देखने के लिए मिल रही थी। बट गाइज़ अभी फ्रैंकलिन चाहता है कि उसके पास ना एक स्पोर्ट्स कार हो या फिर एक सुपर कार हो। तो गाइज़ सुपर कार, अगर स्पोर्ट्स कार या फिर सुपर कार हुई ना, तो गाइज़ अगर हमारे पास इन फ्यूचर पुलिस पीछे लगती है तो गाइज़ उसमें एस्केप करने के लिए हमें बहुत काम पड़ सकता है उस कार्स का। इसके वजह से फ्रैंकलिन चाहता है कि उसके पास एक सुपर कार या फिर एक स्पोर्ट्स कार हो जिसकी स्पीड कम से कम 250 के आसपास तो जाती हो। तो गाइज़ ऐसी अगर कार लेने जाए नए में तो गाइज़ उसमें हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और फिलहाल हमारे पास इतना अच्छा खासा बजट नहीं है। तो इसके वजह से फ्रैंकलिन ने डिसाइड किया है कि हम सेकेंड हैंड कार परचेस करेंगे। तो गाइस सेकेंड हैंड कार परचेस करने के लिए जो माइकल का शोरूम है ना, उससे अच्छी चीज़ हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि गाइस माइकल के शोरूम में सेकेंड हैंड कार्स बहुत तगड़े तगड़े लुक के साथ हमें देखने के लिए मिल जाती है और जो उनकी प्राइस है ना वो भी काफ़ी कम होती है। तो गाइस फिलहाल उसका शोरूम का एड्रेस मुझे अभी तक नहीं पता है, तो इसके वजह से हमें माइकल को हमें कॉल करना पड़ेगा और माइकल को कॉल करके हमें उसके एड्रेस के बारे में पूछना पड़ेगा। तो फटाफट से उसको कॉल करते हैं। तो गाइज फिलहाल मेरी माइकल से बात हो चुकी है, उसने कहा है कि वो शोरूम के ऊपर ही हमें मिलने वाला है। तो गाइज उसने जो शोरूम की लोकेशन है हमें दे दी है, उसने कहा है कि उसके पास काफ़ी तगड़ी तगड़ी सुपर कार्स या फिर हम बोल सकते हैं स्पोर्ट्स कार हमें सेकेंड हैंड में मिल देखने के लिए मिल जाएगी। तो फटाफट से चलते हैं उसके शोरूम के ऊपर और देखते हैं कि हमें कौन सी कार हमारे बजट में देखने के लिए मिलती है। तो गाइज़ फिलहाल हम पहुंचने वाले माइकल के शोरूम के पास, क्योंकि गाइज़ आप सामने देख सकते हो जो शोरूम है ना वो माइकल का है। उधर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो शोरूम माइकल का है, उधर हमें सारी कार्स देखने के लिए मिल जाएंगी। बट जो भी कार रहेगी सारी सेकेंड हैंड में रहने वाले, न्यू कार वो नहीं रखता क्योंकि वो एक सेकेंड हैंड डीलर है। तो गाइज़ इधर से हमें लेफ्ट लेना है और सीधा अंदर जाना है। तो गाइज़ आप देख सकते हो माइकल हमारे वेलकम के लिए उधर खड़ा है। तो इधर से हम निकलते हैं और माइकल को जाके गले मिलते हैं या फिर उससे बातचीत कर लेते हैं। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल मेरी माइकल से बात हो चुकी है, उसने कहा है कि हमें अंदर जाना है क्योंकि जो बाहर की जितनी भी कार्स हैं ना वो नॉर्मल कार है, हमें रास्ते पे हर जगह पे देखने के लिए मिल जाएंगी ऐसी कार है। तो गाइज़ इन कार से हमें कोई मतलब नहीं है, अच्छी खासी स्पोर्ट्स कार है, कुछ सेडान्स भी और कुछ ट्रक्स भी, बट ये हमारे कुछ काम के नहीं है। तो जो स्पोर्ट्स कार और सुपर कार्स है ना हमें अंदर अच्छे अच्छे खासे देखने के लिए मिलने वाली है। अंदर VIP कार्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगी और साथ में जो नैनो जैसी कार्स है वो भी हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस फिलहाल जितनी भी शोरूम में जितनी भी कार्स पड़ी है ना सारी सेकेंड हैंड कार्स है, बट गाइस बिल्कुल नहीं लग रही कि सेकेंड हैंड कार्स है। तो फिलहाल इधर रिसेप्शनिस्ट है, इससे हम बाद में बात करते जब पेपर वर्क या फिर कुछ कर लेंगे। और ये जो दो लोग हैं ये भी कुछ कार्स वगैरह कुछ करने के लिए आए होंगे, इनका भी पेपर वर्क कुछ चल रहा होगा। तो गाइस फिलहाल माइकल तो अपने कुछ काम में बिजी है और इसको कुछ टेंशन है, क्या पता हो क्या कर रहा है, पर हम एक बार कार्स को सारी कार्स को देख लेते हैं। तो गाइस ये जो दो कार्स है ना, एक कुछ स्पोर्ट्स कार मुझे देखने के लिए लग रही है, मतलब काफ़ी तगड़े लुक है। मुझे नहीं लग रहा कि ये जो कार्स है ना सेकेंड हैंड है, मतलब इसकी काफ़ी अच्छे से मॉडिफिकेशन भी होके रखी है। तो इसके वजह से ये जो कार्स है ना मुझे सेकेंड हैंड नहीं लग रही है। आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बता दो। तो इनका फिलहाल इन दोनों कार्स को छोड़ो और ये आप देख सकते हो थोड़ी सी रोल्स रॉयस जैसी लुक दे रही है, बट गाइस रोल्स रॉयस नहीं है, एक कोई और ही कार है। बट गाइस ये जो कार है ना कंफर्टेबल कार है, अगर मैं आपको एक बार बैठ के दिखा दूँ तो गाइस ये जो कार ना कंफर्टेबल है, मतलब जो ऊपर का जो रूफ होता है ना इसका खुल जाता है। तो गाइस आप देख सकते हो इसका जो रूफ है ना अभी खुल रहा है। तो गाइज़ आप देख सकते हो रूप खोलने के बाद भी इसका जो लुक है ना काफ़ी तकड़ा लग रहा है। बट गाइज़ हम फिलहाल आए मतलब एक सुपर कार परचेस करने या फिर स्पोर्ट्स कार परचेस करने, तो फिलहाल इसको छोड़ो, अभी देखते हैं थोड़े बाइक्स, क्योंकि बाइक्स भी हमारे पास एक भी नहीं, अगर पसंद आए तो हम बाइक्स परचेस कर लेंगे। बस गाइज़ इनके पास तीन ही वारंटी के बाइक्स हैं, इनके कलर्स बाद में वो चेंज करके हमें दे देंगे। बट गाइज़ मुझे नहीं लग रहा है इनमें से कोई बाइक हमें लेनी चाहिए, तो फिलहाल हम एक अच्छी खासी जो सुपर कार या फिर स्पोर्ट्स कार देख लेते हैं। तो गाइज़ ये भी कार है, इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी हमें देखने के लिए मिल जाती है। बट गाइज़ ये जो कार है ना इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो नीचे वाला जो अपना ट्रांसमिशन रहता है ना बहुत कम है, सॉरी ट्रांसमिशन नहीं सस्पेंशन रहता है ना बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल से जो इसकी हाइट है ना बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके वजह से हम अगर हमारे पीछे पुलिस लग गई ना तो गाइज़ हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो हमारी कार है हमें जो पहाड़ों के ऊपर से लेके जानी पड़ेगी। बट गाइज़ पहाड़ों के ऊपर एक कार नहीं चल सकती, बहुत गंदी तरह से ठुक जाएगी, हर बार हमें इसको रिपेयरिंग की कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो इसके वजह से हम इसको एक बार रिजेक्ट कर देते हैं।
और उसके बाद ये भी कार मैंने बहुत बार देखी है, मतलब रास्ते के ऊपर बहुत बार देखने के लिए मिल जाती है, तो इसको एक बार छोड़ दो। तो गाइस ये भी एक काफ़ी अच्छी कार, मैकलरन जैसी लुक है पीछे से इसकी। तो गाइस ये कार भी अच्छी है, एक स्पीड इसकी भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल हम इन सारी कार्स, मतलब जो भी कार्स हमें पसंद आती है ना, इनका हम एक बार टेस्ट ड्राइव देख लेंगे, क्योंकि अगर टेस्ट ड्राइव में अगर हमें अच्छी लगी तभी हम इसको परचेस करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो गाइज ये नेक्स्ट कार है लैम्बोर्गिनी। तो गाइज ये लैम्बोर्गिनी का काफ़ी अच्छा मॉडल है, मतलब लैम्बोर्गिनी इसका लोगो तो लैम्बोर्गिनी जैसा नहीं है, बट गाइज जो लुक है ना वो लैम्बोर्गिनी जैसे ही मुझे देखने के लिए मिल रही है। तो गाइज काफ़ी अच्छी कार है, इसका एक बार साउंड सुन लेते हैं, फिर इसके टेस्ट ड्राइव हम इसकी भी एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेंगे। और जो इसका सस्पेंशन है, हम बेनी से जाके इसको जो सस्पेंशन है थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, क्योंकि बहुत कम है, इसका भी सस्पेंशन बहुत कम है, तो इसके वजह से ये भी टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो इसका जो साउंड है ना अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी इसको छोड़ते हैं और बाजू की जो कार है ना उसको भी देख लेते हैं। तो गाइस ये कार का जो लुक है ना वो भी काफ़ी तगड़ा लग रहा है, मतलब ये जो कार है हम स्पोर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेसिंग वगैरह हुई तो उधर यूज़ कर सकते हैं, एस्केप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट पहाड़ों के ऊपर इसको नहीं लेके जा सकते। बट ये जो कार है ना पार्टी वगैरह के लिए भी काफ़ी तगड़ी कार है ये वाली कार, और जो लैम्बोर्गिनी जैसी लुक है ना ये वाली कार। तो गाइस ये दोनों कार ना हमें पार्टी के लिए भी बहुत अच्छी खासी लगने वाली है, मतलब एक जो रॉक जो होता है ना, मतलब ऐसा जो इमेज पड़ती है ना लोगों के सामने वो भी काफ़ी अच्छी पड़ेगी हमारी। और ये रही एक और कार जो भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है, इसका पीछे का लुक भी काफ़ी तगड़ा है। गाइस ये जो कार है ना इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसकी स्पीड और हम और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, या फिर माइकल ने उसको अपग्रेडेशन में ही बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखी होगी, मेरे को कुछ पता नहीं, उसके जाके हमें पूछना पड़ेगा। फिलहाल हम सारी कार्स का ना एक बार लुक चेक कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो इसका जो कलर है ना मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, मतलब जो डार्क ब्लू कलर ना, तो धूप में क्या चमक रहा है गाइस, बहुत तगड़ी लग रही है जो कार है। तो गाइस आप देख सकते हो सामने एक बुगाटी का मॉडल भी है, बुगाटी का कौन सा मॉडल है शायद से बुगाटी चिरोन है, हाँ गाइस ये बुगाटी चिरोन ही है। और इस साइड में एक और एक बुगाटी का मॉडल है जो कि बुगाटी वेरोन है शायद से, तो जो पीछे से समझेगा। तो गाइस ये बुगाटी वेरोन है और जो उधर के सामने वो बुगाटी चिरोन है। तो गाइस इन दोनों की स्पीड ना बहुत तगड़ी है, पर बुगाटी चिरोन से ना मुझे बुगाटी वेरोन का अच्छा खासा लुक लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो ब्लैक और ग्रे कलर का शेड है ना वो मुझे अच्छा लग रहा है। एक बार इन दोनों को अंदर से देख लेंगे, और अगर हमारे बजट में ये दोनों कार्स में से एक कार भी आ जाती तो इन दोनों में से हम एक कार को परचेस कर लेंगे। तो फिलहाल इसका जो इंटीरियर है ना वो देख लेते हैं एक बार। तो गाइस आप देख सकते हो ये रहा इसका इंटीरियर। तो गाइस इसका इंटीरियर आप देख सकते हो बहुत छोटी कार है अंदर से, क्योंकि जो कार है ना एक सुपर कार में आती है, क्योंकि जो रेसिंग वगैरह होती है उनके लिए कार यूज़ होती है। तो गाइस फिलहाल आप देख सकते हो इसका जो लुक है ना अंदर से तो नॉर्मल ही है, क्योंकि सुपर कार्स में ऐसा लग्जरी लुक नहीं रहता, एक नॉर्मली लुक रहता है देखने के लिए भी मिलता है। तो अभी फिलहाल बुगाटी चिरोन का देख लेते हैं। तो गाइस बुगाटी चिरोन का भी काफ़ी तगड़ा लुक है, मुझे बुगाटी वेरोन से थोड़ा डार्क ये लग रहा है, और जो बुगाटी वेरोन का था ना वो थोड़ा सा लाइट शेड में था, और ये जो है ब्लैक शेड में, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। तो गाइस आप देख सकते हो इन दोनों का लोगो, मतलब स्टेयरिंग तो दोनों का सेम ही है लगभग, और जो म्यूज़िक सिस्टम और वगैरह सब कुछ सेम है, बट सिर्फ इतना है कि जो बुगाटी वेरोन का जो लुक है ना अंदर से मुझे अच्छा लगा, और जो बाहर से लुक है वो भी मुझे बुगाटी वेरोन का ही अच्छा लगा। इन फ्यूचर अगर हमें कार का जो कलर चेंज करना रहा तो गाइस हम काफ़ी आसानी से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसमें अपग्रेडेशन भी हम बहुत सारी कर सकते हैं, क्योंकि जब इसने सेकेंड हैंड कार्स इधर जितनी भी सेकेंड हैंड कार्स है ना स्टॉक इंजन आते हैं इसमें उसमें ही है, तो इसके वजह से हम इसमें काफ़ी अच्छे से अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल हमने लगभग सारी कार्स देख चुके हैं अभी, तो फिलहाल ये सारी कार्स ना इसमें से सेडान्स वगैरह ही है, बट अगर अच्छी खासी स्पीड चाहिए ना तो गाइस ये बुगाटी जो मॉडल्स है ना इन दोनों में से अगर एक मिल जाती है तो उनकी जो स्पीड है ना काफ़ी तगड़ी है। तो फिलहाल हम डायरेक्टली जाके पूछते हैं रिसेप्शनिस्ट से कि उसमें से कौन सा कलर हमें, सॉरी कलर नहीं, कौन सी कार की कितनी प्राइस हमें देखने के लिए मिलती है। तो गाइस अभी मेरी इससे बात हो चुकी है, इसने कहा है कि जो बुगाटी वेरोन है ना उसकी प्राइस हमारे बजट में आ जाएगी, और जो बुगाटी चिरोन है उसकी भी प्राइस हमारे बजट से ज़्यादा लंबी नहीं है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है, बट गाइस वो भी हम अरेंज कर सकते हैं।
बट गाइस फिलहाल हुआ ऐसा है कि जो बुगाटी वेरॉन है ना ये थोड़ी कम यूज़ की गई हुई है और ये जो बुगाटी चिरॉन है वो ज़्यादा यूज़ की गई हुई है। तो इसके वजह से जो बुगाटी चिरॉन की जो मतलब यूजेस है ना बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से बहुत पुरानी लग रही है। और साथ में जो बुगाटी वेरॉन है ना एक काफ़ी तगड़े लुक में भी मिल रही है और इसका जो यूजेस है एक करीब से करीब 1.5 साल यूज़ हुई है और जो सामने वाले बुगाटी चिरॉन है ना वो 2 साल के आसपास यूज़ हो चुकी है। तो इसके वजह से हमने फाइनल किया है कि हम बुगाटी वेरॉन लेंगे और इसमें जितना भी अपग्रेडेशन का खर्चा आएगा वो बाद में हम देख लेंगे क्योंकि अभी डॉन ने जो हमें मिशन दिया है उसके भी हमें पैसे मिलने वाले हैं। तो फिलहाल हम इन जो बुगाटी वेरॉन है ना उसको परचेस करने से पहले इसके जो टेस्ट ड्राइव है वो ले लेते हैं, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हमने टेस्ट ड्राइव ली नहीं, परचेस कर दी उसके बाद हमारा पोपड़ हो गया। तो इसलिए हम इस बुगाटी वेरॉन का जो टेस्ट ड्राइव है ना एक बार ले लेते हैं। तो टेस्ट ड्राइव लेने के लिए ना हमें मैनेजर से बात करनी पड़ेगी क्योंकि उनके पास कोई बंदा अवेलेबल नहीं है जो कि हमारी मदद कर सकता है, मतलब जो साइड में बंदा बैठा रहता है ना टेस्ट ड्राइव के टाइम पे वैसा अभी कोई नहीं है। बट गाइज हम माइकल के फ्रेंड है इसलिए इन सारे लोगों के हमारे ऊपर थोड़ा सा विश्वास है। तो गाइज फिलहाल हम इससे बात कर लेते हैं। तो गाइज अभी फ़िलहाल मेरी मैनेजर से बात हो चुकी है, इसने कहा है कि ना जो बुगाटी का जो मॉडल है ना ये तो सिर्फ डेमो के लिए मतलब दिखाने के लिए, बट जो ओरिजिनल बुगाटी है ना जो बुगाटी का कार है ना वो गाइज जो स्टोर रूम में रखी है तो स्टोर रूम से लाने के लिए उनको थोड़ा देर लग सकती है। तो इसके वजह से हमें इधर थोड़ा वेटिंग रूम में इधर वेट करना पड़ेगा और जब वो कार बाहर निकल जाएगी तो गाइज हम उसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। तो गाइज अभी फ़िलहाल इधर बैठते हैं और थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। तो गाइज अभी मैनेजर से बात हो चुकी है, उसने कहा है कि जो कार है ना अभी उन्होंने बाहर ला के रख दी है तो गाइज हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसके टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो सामने हमारी कार खड़ी है। तो गाइज ये रही हमारी कार, फिलहाल इसका कलर और अंदर की कार का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें थोड़ी सी ग्रे शेड्स थी, इसमें मेटल ब्लैक कलर की शेड है। तो गाइज उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एक अच्छी खासी स्पीड वाली कार चाहिए थी और बजट में चाहिए थी जो कि हमें यह मिल रही है। तो गाइस जो इसका कलर है ना मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा ही है। आप एक बार धूप में इसको चेक करेंगे तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी तगड़ा कलर है। फिर भी गाइस अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम फिलहाल जब भी अपग्रेडेशन करेंगे तो गाइस अपग्रेडेशन के टाइम पे हम इसका कलर भी चेंज कर लेंगे। तो फिलहाल इसका एक बार साउंड सुन लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो जो साउंड है ना स्टॉक इंजन के साथ मिल रहा है हमें, जब हम इसको अपग्रेडेशन करेंगे तो गाइस इसका साउंड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल अभी इसके टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। तो गाइस हमारे रेंज रोवर इधर खड़ी थी वो फिलहाल माइकल लेके चला चुका है क्योंकि माइकल को बहुत ज़रूरी काम था और उसके पास जो कार थी वो तो ऑलरेडी जिमी लेके गया था, इसके वजह से हमारी जो कार है अभी वो लेके गया है। तो इस बार हम इसकी जो टेस्ट ड्राइव है ना अभी ले लेते हैं और उसको बाद उसको कॉल करेंगे कि वो कहाँ मिलेगा हमें, क्योंकि हमारी कार भी हमें इम्पोर्टेंट ही है जितनी हमें बुगाटी है। तो गाइज अभी हमें फटाक से जाना है, उसकी जो स्पीड देखनी है। तो गाइज स्पीड आप एक बार देख लो 200 के 500 नहीं पहुँच रही है क्योंकि स्टॉक इंजन में इतनी स्पीड देखने के लिए मिल रही है, अपग्रेडेशन के बाद इसकी जो स्पीड है और बढ़ जाएगी क्योंकि बुगाटी वेरॉन है। तो गाइज बुगाटी में जो इंजन जितना बढ़ाएंगे उतनी अच्छी स्पीड हमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो साथ ही में इसका जो स्पॉयलर है ना बहुत मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, तो उसका स्पॉयलर भी थोड़ा बाद में चेंज कर लेंगे। तो गाइस स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, मतलब 200 के आर पार तो नहीं जा रही है, बट गाइस आप देख सकते हो स्टॉक इंजन में हमें इतनी स्पीड तो देखने के लिए मिल ही रही है। तो गाइस जो स्पॉयलर्स है ना वो भी स्पीड के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो गाइस ये अच्छी मुझे फंक्शनलिटी लग गई इसमें। और इसका हॉर्न तो बाकी कार्स के जैसे ही है, और जो इसमें जो कंट्रोलिंग्स है ना गाइस कंट्रोलिंग्स भी काफ़ी तगड़ी है, मतलब जो नॉर्मल कार्स में होती है इससे तो मुझे काफ़ी मतलब कंफर्ट वाली जो कंट्रोलिंग्स होती है ना वो मुझे देखने के लिए मिल रही है। स्पीड तो हम बाद में बढ़ा देंगे, भाई ये ठोक देता अभी एक बार एक कार ठोक दी ना तो गाइस ये कंपलसरी हमें लेनी पड़ने वाली है क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी खरोच आती है ना तो गाइस बेझिझक हमें इसको लेनी पड़ने वाली है क्योंकि हम उनकी कार को वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस हम जो टेस्ट ड्राइव देते हैं ना तो गाइस जो पूरी जिम्मेदारी हमारी रहती है कि जो कार है वो टूटे फूटे ना, और उन्होंने हमारे ऊपर पूरा विश्वास रख के हमें जो कार है अकेले को चलाने के लिए दी है, तो इसके वजह से हमें और इसको अच्छे से चलाना पड़ेगा। तो गाइस फिलहाल हमने इसकी टेस्ट ड्राइव ले ली है। तो गाइस मुझे फिलहाल तो कार बहुत अच्छी लग रही है, तो फिलहाल इसको हम जाके इसके जो पेपर्स वर्क रहेंगे सारे के सारे देख लेते हैं और फिलहाल जितना भी डिस्काउंट ले सकते उतना भी ले लेंगे।
तो गाइस अभी सीधा जाके मैनेजर से बात करते, तो मैनेजर अभी तक यही खड़ा है, क्या हुआ इसको पता नहीं, मेरे को अभी इससे जाके पूछते हैं। तो गाइस अभी इससे बात हो चुकी है, इसने कहा है कि सारा पेपर वर्क का जितना भी काम रहेगा ना, इनका एक जो बंदा है वो हमें हेल्प करेगा पेपर वर्क करने के लिए। तो गाइस उस बंदे के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ़िलहाल किसी और के साथ ड्राइव पे गया, मतलब टेस्ट ड्राइव के लिए किसी और के साथ गया है। तो इसके वजह से हमें इधर अभी वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो सारा पेपर वर्क का काम है ना हमारा ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी पेमेंट है हम सारी की सारी पेमेंट कर देंगे, और जैसे हमारी पेमेंट हो जाती है तो गाइस ये जो कार है ना अभी हमें मिल जाएगी। तो गाइस फिलहाल वेट करते और देखते वो बंदा कितने देर में आता है, और सारा पेपर वर्क ख़त्म होने के बाद मैं आपको फिर से मिलता हूँ। तो गाइस अभी पूरा का पूरा पेपर वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है, इस बंदे ने हमारी मदद की थी पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए, और जो कार का जो पेमेंट था वो भी फिलहाल हमारा पूरा का पूरा पेमेंट उसको दे के हो चुका है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं जो कार है ना अभी हमारी हो चुकी है। तो गाइस इस कार को फटाफट से लेके चलते हैं घर पे, क्योंकि अभी इसकी अपग्रेडेशन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मुझे फ़िलहाल डॉन का कॉल आया था, उसने कहा है जितना जल्दी हो सके उसके जो बेनी के पास हमने जो कार रिपेयरिंग के लिए दी थी ना वो हमें लेके जाना है एयरपोर्ट, क्योंकि जो डॉन है उसके कहने पे जो बेनी ने रिपेयरिंग करके दी है ना कार की वो अभी फ़िलहाल पूरी की पूरी फिनिश हो चुकी है। इसके वजह से जो कार है ना वो सारी की सारी कार हमें ट्रेलर में लोड करके फिर से लेके आनी है, और लेके आने के बाद हमें जो कार्स है ना उन सारी कार्स को एयरपोर्ट लेके जाना है और एयरपोर्ट पे उस डिलीवर कर लेना है। तो गाइस उसके बाद ना हमारा काम ख़त्म हो जाएगा और हमारे जो जितनी भी डॉलर्स रहेंगे हमें मिल जाएंगे। तो गाइस फिलहाल मैंने आपको कहा था कि लिबर्टी सिटी भी हमें जाना था, वो लिबर्टी सिटी जाने के लिए डॉन ने फिलहाल हमें नहीं बोला है, उसका एक जो बंदा है वो जाने वाला है लिबर्टी सिटी उस नए बंदे के साथ। तो गाइस अगर आपको पता नहीं है नया बंदा कौन है और क्या मैं बंदे बंदे की बात कर रहा हूँ, तो गाइस उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि उस पिछली वीडियो में हमने सारी बातचीत की थी, मतलब जो कार डिलीवरी थी वो सारी की सारी बात हमने पिछली वीडियो में की थी। तो गाइस उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो गाइस जल्दी से जाओ और पिछली वीडियो भी एक बार चेकआउट कर लो। तो गाइस फिलहाल ना अभी फटाफट से घर चलते हैं, क्योंकि हमें जो कार रहने वाली है ना, जो मतलब जब हम ट्रेलर लेने जाने वाले हैं, तो गाइस ट्रेलर लेने के साथ हमें जो कार है ना पार्क करनी पड़ेगी बेनी के पास ही। बट गाइस हम उतना रिस्क नहीं ले सकते, हमें फटाफट से जो कार है ना हमारे घर में पार्क करनी पड़ेगी, और वहाँ से किसी की भी कार को चुरा के हमें बेनी के पास जाना पड़ेगा, और जो ट्रेलर है उसको हम ले लेंगे बेनी से। तो गाइस आप देख सकते हो जो कार है ना मुझे बहुत प्यारी लग रही है, मतलब इसकी जो स्पीड है ना यार अभी तो कम है, इतनी तो स्पीड नॉर्मली कार्स में रहती है, मतलब नॉर्मली नहीं रहती, सुपर कार्स में तो इतनी स्पीड नॉर्मली रहती है। तो गाइस ये मुझे बहुत पसंद आ रही है, इसकी कंट्रोलिंग मुझे अच्छी लग रही है, मतलब जो रेंज रोवर थी ना उससे तो ज़्यादा मुझे यही कार पसंद आ रही है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स कार मतलब एक सुपर कार भी है और साथ में गाइस इसका लुक भी मुझे काफ़ी तगड़ा लग रहा है। तो गाइस इसकी साउंड है ना वो भी मुझे अच्छी लग रही है, इसके वजह से कार मुझे रेंज रोवर से ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो गाइस अभी फटाफट से चलते घर में, अभी बहुत बकबक कर ली हम लोगों ने, अभी सीधा चलते घर में। तो गाइस फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं घर। तो गाइस मुझे अभी फ़िलहाल माइकल का कॉल आया था, उसने कहा है कि जो पुरानी कार है ना हमारी उसने अभी इधर पार्क कर ली है, और जो हमारी रेंज रोवर है उसको थोड़ी सी पसंद आ चुकी है, इसके वजह से अभी माइकल हमारी जो रेंज रोवर है 2-3 दिनों के लिए उसके घर लेके गया है। उसने कहा है कि थोड़ी सी उसकी ड्राइव वगैरह चेक कर लेता है, और उसके जो फीचर्स है वो सारे रेंज रोवर के उसको चेक करनी थी, इसके वजह से वो 2-3 दिन के लिए रेंज रोवर उसके घर लेके गया है। तो गाइस फिलहाल तो हम उसको ना नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने इतनी काची अच्छी खासी डील हमें दे दी है, तो इसके वजह से उसको तो हम ना नहीं कह सकते, तो इसलिए हमने उसको हाँ कर दी, और साथ में हमारा दोस्त भी है वो, इसकी वजह से उसको हमने हाँ कर दी उस रेंज रोवर को ले जाने के लिए। तो गाइस अभी फ़िलहाल 2 दिन के बाद हमारी रेंज रोवर आएगी, बट गाइस रेंज रोवर जब तक आती नहीं तब तक हम बुगाटी के साथ सारे के सारे, मतलब जितने भी 2 दिन में कितने मिशन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिशन हो सकता है, तो जितना भी मिशन हो सकते हैं हम सारे के सारे बुगाटी के साथ कर लेंगे। तो गाइज़ अभी आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो से जाके इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और पहली बार चैनल पे आए तो गाइज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइज़ अभी मिलती है सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।